Hi guys, this is Nashit and this is a quick, very quick video of OnePlus 6T के लॉन्च के बारे में जो कल न्यूयॉर्क में और परसों न्यू दिल्ली में लॉन्च होने वाला है. तो क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं OnePlus 6T में? ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर उसमें लॉन्च हो सकता है क्योंकि ओप्पो और वीवो दोनों कंपनी OnePlus तीनों कंपनी के पेरेंट कंपनी एक है और ओप्पो वीवो दोनों ने ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर ला दिया है, मार्केट में लॉन्च कर दिया है, तो ये आएगा पक्की बात है. उसके बाद से वीवो ने जो वाटर ड्रॉप, मतलब 15,000 के फ़ोन ही में मतलब उन्होंने दे दिया है वाटर ड्रॉप, एक तरीके का बहुत बड़ा फीचर जिस डायरेक्शन में फ़ोन मार्केट जा रहा है, जैसे कि नो बेजल डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हम लोग चाहते हैं इट्स अ फ्यूचर विदाउट लाइक द रेशियो ऑफ फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज 100% जीरो बेजल. तो उसमें एक तरीके से एक नॉच को हटा के एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट नॉच आ जाएगा. स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर, आवर जैक इज गोइंग 3.5 mm जैक. एप्पल ने जब हटाया था तो पूरी दुनिया बोल रही थी क्यों हटाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आप लोग डोंगल बेचना चाहते हैं, और अब सब हटा रहे हैं. वन प्लस तो ये भी नहीं बोल सकता है कि हम वाटर प्रूफ के लिए हटा रहे हैं क्योंकि IP ना 67 है ना 68 है. और एक इंटरव्यू में उसके CEO ने बोला भी है कि नहीं हटाएंगे, $30 लगता है IP67, मतलब कोई भी डिवाइस को सर्टिफाई करने में, सर्टिफिकेशन लेने में $30, तो $30 क्यों देंगे, उसका कहना ये था. नो वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है अभी. उसके CEO ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि वायरलेस चार्जिंग क्यों दें हम, जब वायर्ड चार्जिंग के बराबर वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी, जो मतलब उसका डैश चार्ज, मतलब एक तरीके से रिवोल्यूशनरी है. डैश चार्ज जितना तेज चार्ज करता है, मतलब आई थिंक द फास्टेस्ट चार्जर इन वायर्ड चार्जर इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है. वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी और वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी जब लगभग बराबर हो जाएगी, और जब वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी में जो हीटिंग इशू होते हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे, तब वन प्लस कंपनी वायरलेस चार्जिंग को अडॉप्ट करेगी. बहुत ज़्यादा बात बता दी. ऑडियो भी लगता है आज अच्छा नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा मेरे पास, वो कैमरा के ऊपर लगाने वाला नहीं है अच्छा वाला. तो बस यही तीन चार चीज़ें हैं. ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, वन प्लस वन ब्रांड में डेब्यू करेगा, वायरलेस चार्जिंग नहीं आने वाला है, ओनली स्प्लैश प्रूफ रहेगा, मतलब वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, ना IP67 ना 68 नहीं है. और मे बी कैमरा मतलब अच्छा हो जाएगा और कैमरा, क्योंकि वन प्लस सिक्स का उतना अच्छा कैमरा नहीं था. हेडफोन जैक इज गोइंग, तो मे बी वन प्लस वन बंडल कर दे एक क्या बोलते हैं USB-C वायर्ड ईयरफोन उसके साथ में, तो तभी मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत महंगा हेडफोन या ईयरफोन है, बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट किया है किसी ने वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन में, तो वन प्लस 6T के साथ यूज़ नहीं कर पाएगा. तो इट्स लाइक अभी नहीं यार, हटाना चाहिए अभी, तीन चार साल मेरे ख्याल से, मान लीजिए दो से तीन साल अभी रखना चाहिए, इतना जल्दी हटा देंगे तो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डोंगल्स का और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिवाइसेस का, इन दोनों का टाई अप है. बीच में कहीं कंज्यूमर का भी कुछ फ़ायदा सोचो. तो अब ये भी पक्की बात है कि वन प्लस 6T का वन प्लस 6 से दाम बढ़ेगा, तो अब मेरे ख्याल से 40 के रेंज में आ जाएंगे, तो 40 से अब फिर 50-60 कुछ दिन बाद, इनका भी बढ़ता ही जा रहा है. हम ये नहीं बोल रहे कि उनकी उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू आईफोन और इन कंपैरिजन टू सैमसंग. वन प्लस ही लेना चाहिए एकदम, अगर किसी को वाटर प्रूफ, अगर वो कि कोई खेत में काम करता है और बारिश हो रही है, तो अगर वो खेती करते हुए बारिश में काम करना गाना सुनना चाहता है, तब हम उसको आईफोन ही रिकमेंड करेंगे. लेकिन और लोगों के लिए जो नहाने वक्त वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो वो वन प्लस ही लें, आईफोन लेना बेवकूफ़ी है.
आईफोन क्यों लेते हैं लोग, ये तो यार वीडियो दूसरे तरफ जा रहा है, आईफोन लेते हैं आई मैसेज की वजह से। आजकल कैमरा भी पिक्सल ही का ज़्यादा अच्छा है, पिक्सल 3 ने आईफोन की खेला हो गया उसका। और अभी नाइट साइट अभी देख रहे हैं यार गजब, अभी 3-4 घंटे पहले एक वीडियो देखा था भाई, रात को तो दिन ही में बदल दिया उन्होंने, पिक्सल वाले ने बड़ी बात हो गई यार। तू वीडियो बनाने बैठता है दूसरी चीज़ का, बनाने लगता है दूसरे चीज़ का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड इफ यू थिंक आई एम इंटरटेनिंग तंदुरुस्त इंटरटेनिंग तंदुरुस्त ना इंटरटेनिंग मतलब रोमांचक ना एक्साइटिंग हो जाएगा उसका मतलब इंटरटेनिंग भाई उसका हिंदी कितना खराब हो गया है, इंग्लिश तो खराब है ही, अब इंटरटेनिंग रोमांचक तो एक्साइटिंग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये भी आप दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।